दोस्तों आजकल हर रोज हम सभी रिसेशन यानी कि मंदी से जुड़ी हुई बातें सुन रहे हैं। फेसबुक की तरफ से 11,000 लोगों को निकाला गया तो ट्विटर ने अपना आधा स्टाफ फायर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न भी बड़े पैमाने पर ले ऑफ कर रहे हैं। इस नेगेटिव माहौल में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव फैक्ट जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो दिखाने की कोशिश इस वीडियो में की गई। अगर मैं कहूँ कि मंदी में ही सबसे बड़े विकास के बीज छुपे हुए हैं तो आप शायद नहीं मानोगे, लेकिन दोस्तों यह हकीकत है कि फॉर्चून 500 कंपनीज में से करीब आधी कंपनीज मंदी के समय में शुरू हुई है। माइक्रोसॉफ्ट, जनरल इलेक्ट्रिक और व्हाट्सएप जैसी दुनिया की सुपर सक्सेसफुल कंपनीज रिसेशन के समय में शुरू हुई। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे मंदी होने के बावजूद भी ये कंपनी सक्सेसफुल हुई और ऐसा ही सक्सेस आप कैसे हासिल कर सकते। दोस्तों ये समय था सन 1975 का। खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में 1973 टू 1975 का समय स्टैगफ्लेशन टाइम्स के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद जो बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट शुरू हुई थी वो सस्टेनेबल नहीं थी और पूरी पश्चिमी दुनिया इस स्टैगफ्लेशन के चपेट में आ गई थी। हजारों नौकरियां चली गई, लेकिन ऐसे समय में ही दो यंग लड़कों द्वारा एक कंपनी शुरू की गई जिसे हम आज माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। शुरुआती दौर में उनका काफी स्ट्रगल रहा, लेकिन आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के रैंकिंग में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना यूज किया हो। सन 1892 में थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा शुरू की गई थी जनरल इलेक्ट्रिक। ये ऐसा टाइम था जिसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था करीब 40% श्रिंक हो गई थी। करीब 16 महीनों तक ये हाल रहा था। मंदी होने के बावजूद भी कंपनी शुरू करने का एडिसन का निर्णय सही साबित हुआ और आज करीब 125 साल से हम और आप जीई के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। टोस्टर से लेकर एयरप्लेन तक लाखों चीजें जीई कंपनी बनाती है। मंदी से निकली हुई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जीई। हम और आप सभी का फेवरेट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भी तो मंदी में ही शुरू हुआ था। सन 2008 का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस का समय दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े मंदी के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका में हुए हाउसिंग लोन क्राइसिस की वजह से ये मंदी शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। भारत पर भी इसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ, लेकिन दोस्तों इसी 2008 में शुरुआत हुई थी व्हाट्सएप की। आज शायद ही कोई मोबाइल फोन ऐसा होगा जिसमें व्हाट्सएप नहीं है। दुनिया में व्हाट्सएप के आज करीब 225 करोड़ एक्टिव यूजर्स। ये तीनों कंपनियां रिसेशन में शुरू हुई थी और आज अपने अपने क्षेत्र में टॉप पर है। इसे देखकर सवाल आता है कि कैसे मंदी होने के बावजूद भी ये कंपनियां इतनी सक्सेसफुल हुई। उसके तीन प्रमुख कारण हैं। इन कंपनियों की शुरुआत बुरे वक्त में होने की वजह से शुरू से ही ये डिफिकल्ट टाइम्स को झेलना सीख लेते हैं, जिसकी वजह से जब अर्थव्यवस्था सही हो जाए तो सर्वाइव होने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, जब मार्केट में डिमांड कम है, लोग ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे, ऐसे वक्त में ये पूरी कोशिश करते हैं अच्छा बिजनेस करने की, अच्छा सेल करने की, जिसकी वजह से अच्छे मार्केट में रेवेन्यू बढ़ाना इनके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। और तीसरी बात, बुरे वक्त में शुरू होने की वजह से ये कंपनीज शुरू से ही अपना पैसा संभाल के खर्च करती है। कम से कम खर्चे में बिजनेस चलाना इनके DNA का हिस्सा बन जाता है। बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट की वजह से बैंकरप्सी का मुंह इन कंपनियों को कभी भी देखना नहीं पड़ता है। दोस्तों आज के डिफिकल्ट टाइम्स में कई लोग बेवजह रिसेशन का टेंशन लेकर घूम रहे हैं। जिनके जॉब चले गए हैं ऐसे लोग रिसेशन के नाम पर नया कुछ करने से बच रहे हैं। जिनका जॉब नहीं गए है वो भी रिसेशन के डर से अपने विकास पर ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए कहा जाता है कि रिसेशन यानी मंदी पहले लोगों के मन में आती है और बाद में अर्थव्यवस्था पर परिणाम करते। सबसे पहले अगर मंदी के समय में भी अपना खुद का विकास करना है तो इस रिसेशन की फीलिंग को अपने मन से निकालिए और चार चीजें कीजिए। पहली, स्टॉप स्पेंडिंग ऑन लग्जरी, कोई भी जरूरत की चीजों के अलावा दूसरी चीजों पर खर्च करना बंद कर दीजिए। अगर जरूरतें बहुत बढ़ गई है तो उसे भी कम कर दीजिए। दूसरा, स्टार्ट सेविंग। रिसेशन टाइम्स में कैश इज द ओनली किंग। अगर जॉब चली गई तो दूसरी जॉब मिलने तक आपका सेविंग ही आपका साथी। एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी गेन्ड। तीसरी बात, स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स। आपका अभी जो भी काम है उसके साथ साथ कुछ नए स्किल्स सीखना शुरू करो जिससे आपकी इनकम बढ़े। अभी तुरंत नहीं तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इनकम बढ़ना शुरू हो, ऐसे स्किल्स सीखना शुरू करो। रिसेशन में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होती है, बंद नहीं होती। लोग जीना बंद नहीं करते, अगर लोग हैं तो उनकी जरूरतें भी हैं।
उन जरूरतों को पहचान कर अपने स्किल्स बढ़ाओ ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपने बिजनेस पहले किया हुआ है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी को बिजनेस करना ही चाहिए जिससे वो अपना इनकम बढ़ा सके और इनडायरेक्टली राष्ट्र के विकास का भी भागीदार बन सके। बिजनेस करने के लिए आपको आपका काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर जॉब करते हो तो ऑफिस टाइम के बाद बिजनेस कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हो तो घर संभाल के बिजनेस कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कीजिए। शुरुआत छोटी करें, आपकी जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उतना ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। जब आप एक्स्ट्रा मेहनत लेना शुरू करते हो तो अपने आप सारे नेगेटिव ख्याल और रिसेशन का डर दिमाग में से निकल जाता है। आप में और आपके फैमिली मेंबर्स में जोश आ जाता है कि रिजल्ट जो भी आए, मैंने मेहनत की, मैंने ट्राई किया और मैंने पूरी ताकत लगा के ट्राई किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होंगे, जो थोड़ा बहुत पैसा लगाया था वो डूब जाएगा, लेकिन जो सीख मिलेगी और जो हिम्मत बढ़ेगी वो जिंदगी भर काम आएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार मंदी से डरे हुए हैं, नेगेटिव ख्यालों का शिकार हुए हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। इस वीडियो को किया हुआ आपका एक लाइक इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ऐसी ही पॉजिटिविटी और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए रिसर्च वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।